दुर्ग शहर महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पटेल चौक पर पानी से पूरी तलकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर आक्रोश जताया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर दुर्ग शहर महिला कांग्रेस कमेटी ने पटेल चौक पर पानी से पूरी तलकर बढ़ती महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश जताया। एक अनूठा तरीका अपनाकर लोगों के बीच इस बढ़ती महंगाई का विरोध जताया। इस मौके पर महिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां व गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और पेट्रोल डीजल सहित रसोई गैस की कीमतों में हुई बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर महिला कांग्रेस कमेटी के दुर्ग शहर अध्यक्ष कन्या ढीमर व दुर्ग नगर निगम के एल्डरमैन रत्ना नारमदेव व महिला कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी प्रीति साहू ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते आम नागरिकों को कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। महिला कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रही, जिन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में न्यूज टीम को प्रदर्शनकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 14 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबके अच्छे दिन आएंगे, आज कहाँ अच्छे दिन आए हैं। सबका हाल पूरा बेहाल है। रसोई गैस, पेट्रोल डीजल सबका रेट तो बढ़ा है। इंसान है सबके पास, जितने भी गरीब है सबके पास गाड़ी घोड़ा सब तो है, तो आदमी कहाँ से करेगा? घर का किराया देगा कि सब्जी भाजी लाएंगे कि डीजल का, हर चीज़ का तो बहुत महंगा होगा, तो कौन कहाँ से करेगा। मोदी सरकार से यही कहना है कि जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ है, पेट्रोल डीजल है, रसोई गैस है, सबके दाम कम करे। आज हम करें कल चलिए यही भाजपा करेगी, क्योंकि उन वो भी तो भाई घर चला ही रहे हैं हमारे जैसे, तो कहाँ से लाएंगे वो भी। मेरे बस यही कहना है, जब से भाजपा सरकार काबिज हुई है लोगों को मुगालते में जुला रही है, क्योंकि हमेशा लोगों को भ्रमित किया। चुनाव प्रचार जब रहता है चुनाव के समय में, वो जिस तरह की बातें करते हैं लोग भ्रमित होते हैं। उन्होंने सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। आज महिलाओं की जो कमर तोड़ महंगाई के कारण जो उनके घर परिवार में विघटन हो रहा है, आपने देखा होगा कांग्रेस कार्यकाल में यदि रोड पे बढ़ता था तो ये आधे नंगे होकर के रोडों पे आ जाते थे, चूड़ियाँ फेंकते थे। आज उनकी महिलाएं कहाँ हैं, आज उनके पुरुष कहाँ हैं, क्या उनके घर में महंगाई नहीं बढ़ी है? हम सिर्फ मोदी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने वाला कार्य क्यों किया जा रहा है? आज हम पूरे देशवासी हर कोई इस महंगाई से क्षुब्ध है, क्योंकि यदि पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है तो जो बाहर से आवागमन होता है सामानों का, तो महंगाई बढ़ती है। उसके कारण मध्यम वर्ग से लेकर निम्न वर्ग, आज उच्च वर्ग भी इस कारण परेशान है, क्योंकि 2 साल से जो कोरोना काल था, कोरोना काल में लोग बेरोजगार हो चुके थे, रोजगार के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, और उस कोरोना काल में इस तरह की महंगाई, आखिर लोगों को क्या कराना चाहते हैं? भ्रष्टाचारी, दूसरा गुंडागर्दी, तीसरा ये डाकू वाला, जो पहले डाकू लोग होते थे, आज पढ़े लिखे लोगों को डाकू बनाने का कार्य किया जा रहा है। मैं मोदी सरकार से यही निवेदन करूँगी कि हमारे पढ़े लिखे रोजगार युवकों को रोजगार दें, ना कि उन्हें डाकू बनाएं, क्योंकि आने वाला समय मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद ये सरकार हम लोगों को वापस फिर से गुलामों की जंजीर में जकड़ने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। कांग्रेस सरकार के समय जितना हमारा सरकारी वो था, रेलवे था, टेलीफोन था, सबको बेच रहे हैं, और हम लोग हमारे बच्चों को न रोजगार दे रहे हैं, न पढ़ाई में कुछ वो कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, हम अच्छे दिन लाएंगे करके हम लोग को 15-15 लाख रुपए सबके खाता में आएगा करके सब महिलाओं को खाता खुलवा दिए, ना तो अच्छे दिन आया, ना तो खाता में पैसा आया, और सबसे बुरा दिन आ गया है मोदी सरकार के कारण। ठीक, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और खाए के जितना भी राशन है ओकर भी भाव बढ़ गए। दाल के जो आज हम 80 रुपये किलो लेते रहे थे, आज वहाँ 120 रुपये किलो हो गए, डबल मतलब डेढ़ा बढ़ गए, और पेट्रोल तो और आसमान में छुआ थे, और सब ये डीजल पेट्रोल के कारण, हरा सब्जी में जो लगेज लगते ओकर कारण एकदम, माने सबको खाए के चीज़ जतका अपन जतका भी अपन जिए के जो साधन है वो सब में महंगाई बढ़ गया। और आज तक अभी ऐसे कोई भी सरकार इतना महंगा नहीं करे जितना मोदी सरकार करे। आज स्मृति ईरानी बोलते हैं कि इतना महंगाई इतना होकर तो बहुत बड़े बड़े बात कर रही थे, आज होकर सरकार इतना महंगाई करे तो आज कहाँ है वो भी तो एकदम सीरियल बना रही थे सास
क्या कहें, ये कथित संदेश है जब हम गरीबी रही से और पूरी उड़ी खाए के जब ये लगे बहुत पहली तो पानी से ऐसे कारण आज हमार वही हमार दिन मोदी सरकार ला रहे है कि आज हमार पूरी लाना पानी में तलना पड़ा थे, तेल पूरा पी गए मोदी सरकार। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।